संविधान इसीलिए बना है जी। नहीं तो धर्म ग्रंथों से चलता ही देश। कि आपका जो सांसद है वो आपका नौकर है। समाजवादी से त्यागी जी भी हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है गठबंधन के लिए। हरिंद्र मलिक जी का टिकट फाइनल हो चुका है, किस सीट तो उसको दी जाएंगी जो जो पिछले चुनाव में जिनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, तो उनकी हार का चुनाव है। जयंत चौधरी जी से क्या बातचीत अब तक हुई होगी? आपने बताया होगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। पार्टी के संगठन की तरफ से जो हमें आदेश मिला है वो, हमने यहाँ दूसरी योजना क्या, हम तीसरी भी कह रहे हैं कि शायद आ जाए। मैं वापस आ गई थी, मैंने वहीं पर IAS की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, ठीक चल रहा था, लेकिन ये भी मेरा एक, मैं बताऊं राजनीति में आने का कारण क्या है, तो GDP 100 लोगों का बढ़ रहा है और जमीन कब बिकती है जब कुछ नहीं बचता है, तब जिसे अमेरिका में मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं। SME सेक्टर इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुजफ्फरनगर ही लड़ना चाहती हूँ, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, जाहिर है जमीन पर उड़क जाएगा। मैं तो सीधा कहूंगी सरकार कर रही है कि हमने प्रतिनिधि ऐसे चुने हैं जो आपको ये बोल के जा रहे हैं कि ये तो तुम्हारे ही पिछले जन्म के कर्मों के तुम्हें फल मिल रहे हैं, कि हो सकता है इस बार इतिहास बदले। इस कानून को आप किस नजरिए से देखते? ठीक है, ले आए, कोई फायदा इसका हुआ हो मुझे पता नहीं। तो दो शादियां भी चल रही हैं, आप जानते हैं हमारे समाज में बड़े बड़े नेताओं की भी है रही है, और यही कह रही हूँ कि वो क्यों इनविटेशन दे रहे हैं, वो क्या है उस मंदिर में, कि अगर गठबंधन में आए बसपा तो गठबंधन मजबूत होगा। ये वाली हमारी जो सरकार है ना, भाजपा की सरकार, ये बहुत ही चरित्रहीन है। प्रधानमंत्री ने उनको भेड़ियों के आगे फेंक दिया। हमारे उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल जी भी तो है, उनको क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं नहीं, जो चेहरे मतलब दिखाई दे रहे थे कुछ तो उसमें थे ना, क्योंकि ओलंपिक उन्होंने, उनको पता ही नहीं जाट क्या होता है। संजीव बालियान जी का बयान आया था कि भाव तो बढ़ना है। हाँ। जी, तो जब वो इतना भी नहीं करा पा रहे तो क्या ताकत है? समझ में नहीं आता वो सरकारी है या भाजपा की प्रचार है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता था कि उसमें खास कोई आ नहीं रहा, इन्हीं के अपने सरकारी लोगों को ही डंडा देके बुलाया जा रहा है। अडानी ने यहाँ तो अपना एक प्रतिनिधि बना रखा है, वहाँ अडानी खुद लड़ गया। गन्ने का भाव कम या ज्यादा मिल रहा है, पर मिल तो रहा है वो। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपका इंडिया एक्सप्रेस में स्वागत है। लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसे लेकर सियासत में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम टिकट के दावेदार, राजनीतिक जगत की तमाम और सामाजिक जगत की हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं कैंट मेरठ विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी सरधना के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह जी की बेटी और रालोद के का जो महिला संगठन है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा मनीषा अहलावत जी। मनीषा अहलावत जी इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से गठबंधन के से जो टिकट के दावेदार हैं उस उनमें उनका नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो गठबंधन से टिकट को लेकर और तमाम उनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन को लेकर उनसे बात करेंगे। मनीषा अहलावत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, क्या ऐसे कारण बने, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे। देखिए, मेरे पिताजी विधायक रहे 2007 से 2012 तक, तो एक राजनीतिक कहते हैं परिप्रेक्ष्य से मैं रही हूँ हमेशा, लेकिन कभी ऐसा मेरा मन नहीं था कि मुझे बिल्कुल राजनीति में आना है। हम समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास करती थी और उसी में शुरुआत भी करी थी,
और फिर ये जो माहौल बना देश में, और खासकर ये किसान आंदोलन में, तो मैं टीवी पर हम लोग देखते थे जैसे, तो मैंने सोचा मैं एक वहाँ जाकर देखना चाहिए जिनको कम्युनिस्ट या खालिस्तानी इस तरह बताया जा रहा है। तो जब वहाँ गई तो मेरे ही गांव के मेरी मौसी जी के बेटे वहाँ थे, मेरे मामा जी के बेटे वहाँ थे, और तमाम किसान थे पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत तक के। तो एक अंदर से जैसे हम दहल जाते हैं ना, ऐसा लगा, क्योंकि हर सब चीज़ें अच्छी, शहरों में खासकर लोगों को लगता है सब बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ मोदी जी वहाँ, लेकिन जब आप ज़मीन पे आते हो, कुछ मैंने खुद भी अपनी खेती शुरू करी थी, और उसमें भी मैं ये जान रही थी कि किसानों को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किल है किसानी में पैसे कमाना, कमर तोड़ मेहनत किसान करता है, पर्यावरण से लेके और मौसम की हर हर तरह की मार झेलता है, और उसके बाद कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस के नाम पर भी धोखाधड़ी हुई, तो ऐसी तमाम चीज़ें, खाद के कट्टे में से 5 किलो कम कर देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम देख ही रहे थे, और उसके बाद ये आंदोलन हुआ तो समझ में आया ये क्यों हो रहा है, और ऐसा लगा कि अगर हम जैसे लोग भी नहीं आएंगे आगे, और खासकर जिनको कि अवसर है, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे मैदान में आना है, और अपने क्षेत्र का, अपने आ, आ, किसानों का, और खासकर कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, और अभी तो फिर भी है, लेकिन 2 ढाई साल 3 साल पहले कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांसद ना विधायक कोई महिला नहीं थी, तो ये देखकर भी और एक शर्म सी महसूस हुई कि हम भी तो वहीं के हैं, और अगर हम कोशिश करें तो शायद ये बदल सकते हैं। तो ये तमाम कारण रहे, और उसमें मैं ये अपना विशेषाधिकार मानती हूँ कि मेरे पिताजी राजनीति में रहे, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, उनकी प्रेरणा मुझे मिलती रही, और ऐसा लगता है कि हम शायद थोड़ा बहुत कुछ बदलाव ला पाएंगे। तो जो आपकी राजनीति की शुरुआत है वो कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने से ही है, उससे पहले भी आप किसी तरह से सक्रिय थी राजनीति में? मैं सक्रिय एक जागरूक नागरिक की तरह थी, तो मैंने हमेशा अपने नागरिक के तौर पे जो मेरे अधिकार हैं, हमारा जो संविधान है, उसका मैं मतलब हमेशा एक अवेयरनेस रही है कि ये मेरे अधिकार हैं, और जहाँ कहीं मुझे लगता था कि हमारे अधिकारों पर सरकार या कोई और संस्था के प्रहार हो रहा है, और अगर कोई नागरिकों का कोई ग्रुप अगर उसमें खड़ा है, तो मैं वहां जाके खड़ा होना पसंद करती थी, जी मुझे लगता था कि ये थोड़ा बहुत मेरा योगदान रहेगा। मेरे पिताजी के एक इलेक्शन में मैंने कैंपेनिंग भी करी, दो और हजार सात वाले। 7 नहीं 12 वाले में अच्छा, क्योंकि 7 वाले में हम लोग बहुत अनभिज्ञ थे, और हमारे जी पिताजी हमें थोड़ा सा अलग ही रखते थे राजनीति से, और 5 साल भी शायद शायद क्या, मैं बिल्कुल मुझे पता है कि उनके साथ हमारा एक भी फोटो आपको किसी जी मंच पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी हमें इस तरह से ये कि मैं राजनीति में हूँ तो आप भी इसका फायदा उठाओ या उसकी लाइमलाइट में आ जाओ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो एक नागरिक के तौर पे मैं हमेशा से सक्रिय थी, घर से राजनीति का एक मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, तो यही मैं कहूँगी कि मैं ना होते हुए भी राजनीति में काफ़ी काफ़ी लंबे समय से हूँ, और लेकिन जब मैंने आपको बताया किसान आंदोलन के बाद, और ये देखा कि महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर है, तो फिर मैंने अपने पिताजी से भी बोला, और उन्होंने भी कहा कि हाँ आप आ सकती हैं, और 22 के चुनाव आ रहे थे, तो ये 21 में ये चर्चा हमने शुरू करी थी, तो तब ये हुआ कि सरधना ही मेरा गांव वहाँ पर है, और सबको जानती भी वहीं पर जी हूँ, तो वहीं पर मैंने कोशिश करी, हालांकि वहाँ से अतुल भाई को टिकट मिला, तो वो भी
ठीक है, उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी, उनको मिला। तो फिर मुझे हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको ही श्रेय देना चाहूँगी कि वो ऐसी प्रगतिशील सोच रखते हैं और एक नज़र रखते हैं पहचानने की। तो मैं उनसे एक या दो बार ही मिली थी, लेकिन उन्होंने पहचान लिया कि ये चुनाव लड़ना चाहती हैं और क्या कारण है, क्यों लड़ना चाहती जी हैं। तो उन्होंने ही मुझे बुलाया और मेरे को ये मेरठ कैंट का उन्होंने टिकट दिया। और तब सबने ये कहा कि ये तो बिल्कुल अलग नई सीट है बीजेपी और की सीट है, मतलब बीजेपी की सीट भी 89 है, से अब तक जो है भाजपा ही वो तो वहां है ही, जीती वो है। तो हमें पता ही था ये जी तो कि हार का चुनाव है। लेकिन उसमें भी कि मैं बिल्कुल नई कैंडिडेट हूँ वहाँ पे भी, मेरठ में तो कई नेता पहले से भी रहे हैं गठबंधन में, लेकिन मुझे क्यों उन्होंने दिया। तो उसके पीछे कारण ये थे कि एक तो ये शहरी सीट है, तो इसमें एक महिला और पढ़ी लिखी महिला और एक साफ छवि वाली महिला, उनको लगा कि ये वोटर के साथ ये अच्छा बैठेगा। और जो बिल्कुल सही निर्णय था, सटीक निर्णय था, जी मुझे मेरठ कैंट में हर बूथ पर वोट मिला है, जी ऐसा एक भी बूथ नहीं है जहां 0 वोट मिला हो। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शहरी वोटर एक विकल्प ढूंढ रहा है, और कोई नहीं चाहता कि 40 साल तक एक ही पार्टी के एक ही तीन तीन योजना, एक ही जी विधायक किए जा रहे हैं। तो यानी वहाँ पर कि विकल्प की कमी है, वोटर तो चाहते हैं कि कोई और आए। तो मैं 15 दिन का मेरा कैंपेन था और उसमें 45,000 वोट हमें मिले, जी हम दूसरे नंबर पर आए। तो हालांकि वोटर वोट का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मेरा तो मेरी उम्मीद से ये ज़्यादा था, क्योंकि इससे पहले हमारी पार्टी में शायद 4-5 हज़ार ही वोट हाँ, मिल उससे पाते पहले थे। बसपा से ही मुकाबला होता था जी, उनका 4,000। और 5 हज़ार वोटर ही थे समझिए जी हमारी पार्टी के। तो ये जो बाकी का वोटर आया है, ये तो हर समाज से, हर वर्ग से और हर वार्ड से, मतलब मैंने ऐसे ऐसे वार्ड से मैंने वोट देखी जहाँ पर मैं गई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता चाहती है बदलाव आए, और ये शुरुआत है बदलाव की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 45,000 लोगों ने मेरे अंदर जी विश्वास दिखाया, और उससे पहले मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ में विश्वास दिखाया और मुझे ये मौका दिया। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो उनकी सोच है, वो हर ना केवल टिकट, जैसे मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया महिला संगठन का, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी में बोलती रहती थी कि महिलाओं को हमें आगे लाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ही वो जिम्मेदारी दे दी कि आप ही करिए। तो वो भी मैंने शुरू करा अभी, हालांकि बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हर बूथ पर एक महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहे 24 में। अच्छा, आपन की पढ़ाई अमेरिका से भी हुई जी है, तो थोड़ा सा अपनी मतलब शुरुआती पढ़ाई, फिर कॉलेज, वो इसकी पढ़ाई के बारे में आप बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि आपने मतलब आपका काम काज क्या है, क्योंकि उसे लेकर भी काफी जी चर्चाएं कि महिलाओं के क्षेत्र में आपने काफी जी जी काम किया। हाँ। तो मैं असल में मैं अगर आप 10-20 साल पहले मेरे से पूछते कि आप कहाँ से हैं, तो मुझे सोचना पड़ता था मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि हम इतना घूमे हैं। हमारी मेरी बुआ जी उसमें आर्मी में थी, उन्होंने मेरा शुरू का जो लालन पालन हुआ मेरी बुआ जी जी फूफा जी ने किया है, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो जी हमारे पिताजी ने हमें उनके पास भेजा। तो वो आर्मी में थी, तो जाहिर तो है ट्रांसफर होते रहे उनके साथ। तो कलकत्ता से लेके और कोचीन से लेके अमरावती तक जी हम सब जगह रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी भाषा भी सब जगह की आती थी। तो उसके बाद मेरठ में वापस आए, तो मेरठ में दयावती मोदी एकेडमी और फिर मेरठ कॉलेज, यहीं पास में है, यहाँ से जी मैंने BSc किया जी और फिर मैंने अमेरिका से MBA किया है। तो वो मेरी हमेशा से इच्छा रही थी कि जी मैं जितना ज़्यादा हो सके पढ़ूं, और पढ़ने से ज़्यादा कि ये सीखूं, कुछ नया करने की हमेशा से वो रही है। तो ये अमेरिका से मैंने MBA किया, लेकिन देश सेवा का उस वक्त एक जज्बा था और अभी भी है शायद, शुरू से ही है। तो वो मैं वापस आ गई थी, मैंने वहीं जी पर IAS की तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा तो मैं, खैर वो यहाँ आके मैंने टेस्ट एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। तो तब भी मेरे पिताजी ने कहा था कि कोई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए,
तो जनसेवा में एक सेलेक्टेड होते हैं तो एक इलेक्टेड भी होते हैं, तो उनका मतलब ये था कि आगे भी आपको शायद मौका मिलेगा, तो पर कभी सोचा नहीं था ऐसे। तो ये कब आप अमेरिका से आ गई थी, कौन से मैं ईयर? 2004 में वापस आई दो हूँ। चार में हाँ वापस। जी, अच्छा, तो अगर ये कहें कि आपका मतलब सपना आईएएस बनने का था तो ये ठीक आईएएस रहेगा? नहीं, पब्लिक सर्विस में अच्छा, जाने का था। तो मैं आपको बताऊं, बचपन से ही मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जनसेवा से ही जुड़ना है। जी तो कभी डॉक्टरी का भी सोचा, नहीं हो पाया। फिर ये आईएएस का सोचा, नहीं हो पाया। लेकिन फिर मैंने, अब ये राजनीति में आई हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं कर पा रही हूँ। और राजनीति से पहले जो समाज सेवा, तो इसमें मैं लोग तो राजनीति को चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं हर दिन वो काम कर पा रही हूँ जिसकी मैं इच्छा और लेकर इस मैदान में उतरी थी, वो मैं रोज कर पा रही हूँ वो काम। तो मैं संतुष्ट हूँ आज। अच्छा, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, हो सकता है उसमें गलत भी हो, वीवो फिट इंडिया ही है ना वो जो आप, अच्छा हाँ उसके हाँ बारे में भी जानना जी, चाहिए। तो मैं जब अमेरिका से वापस आई थी और आईएएस नहीं मैंने किया, उसके बाद मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में नौकरी की। तो रिलायंस में भी करी, महिंद्रा में भी करी। और वहाँ नौकरी करने के बाद कुछ साल फिर मैंने अपना एक व्यवसाय शुरू किया था जो विमेन ओनली फिटनेस सेंटर्स का था। तो ये पुर्तगाल की एक चेन है, वीवा फिट के वीवा नाम से, फिट, तो जी उसका हम फ्रेंचाइज इंडिया में लेकर आए थे। क्योंकि 2009 में के करीब की बात है, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में डॉक्टर महिलाओं को ये तो बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ेस है, तो बोलते हैं आप एक्सरसाइज करिए। और वज़न घटाने के लिए तो खैर सारी दुनिया जानती है, जी लेकिन ये अपनी हेल्थ के लिए, इनके लिए भी एक्सरसाइज हर डॉक्टर बता रहा था, लेकिन महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जो आम जिम होता है उसमें महिलाएं जाना पसंद नहीं करती, जी और पार्क में अगर आप जाते हैं तो आप, हम अब सभी जानते हो, वहाँ पे बातचीत करके थोड़ा घूम के घर आ जाते हैं और लगता है कि हमने कर ली या एक्सरसाइज, कसरत कर ली। जी तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये महिलाओं के लिए ही बना था। आप शायद नहीं जानते, जो आजकल भी जो आम जिम में जो मशीनें हैं वो पुरुषों के एवरेज बॉडी वेट और हाइट के लिए बनी है, वो महिलाओं के लिए बनी ही नहीं है। तो इसलिए जब महिलाएं उन पे वर्कआउट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घुटनों में या कमर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हम ये जो हम लेकर आए थे, ये मशीनें हाइड्रोलिक मशीनें थी जी और ये महिलाओं के लिए खास बनी थी, और ये बनी पुर्तगाल में ही बनी थी। तो वहाँ की ये मशीनें हम लेकर आए थे, और ऐसे 12 जिम हमने पूरे इंडिया में, गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ, चंडीगढ़, ये दिल्ली, गुड़गांव, यहाँ पे खोले थे। और ये ठीक चल रहा था, लेकिन ये भी मेरा एक, मैं बताऊँ राजनीति में आने का कारण क्या है, कि छोटा व्यवसायी जो है जी उसके लिए तो अब काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने खुद झेला है। जी पहले आपने हमारा GST बढ़ा दिया, GST हमारा 6-7% बढ़ गया एक झटके में, जी तो आपसे में बिजनेस का कितना बड़ा मार्जिन GST में चला गया। और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी आया, तो हर इस झटके में हमारे कुछ फ्रेंचाइज, ये सारे फ्रेंचाइज से बंद होते गए, और हम उनको अब ज़बरदस्ती खोलने को भी नहीं बोल सकते, कि हम समझ जी सकते थे उनकी दिक्कतें। तो GST हुआ, फिर नोटबंदी हुआ, और फिर ये जो लॉकडाउन हुआ, वो जी पहला लॉकडाउन जो था वो बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं लिया गया, बिना किसी कारण के एक झटके में सबको बोला। तो हमारी जो जो महिला ट्रेनर थी, तो इसमें सभी, पूरा स्टाफ भी महिलाएं ही थी, जी तो एक बार जब वो घर चली गई, कोई नॉर्थ ईस्ट की थी, कोई कानपुर से, कोई कहीं से, तो फिर वो सारा सिस्टम बिगड़ गया। फिर खोलने की कोशिश करी उसके अच्छा बाद सर। भी, लेकिन फिर दूसरा वेव जब आया तो फिर सब पूरा ही बंद हो गया। तो ऐसे तमाम बिजनेस आप देखेंगे दिल्ली गुड़गांव में जो बंद हुए हैं, और जो ये कहते हैं अच्छे दिन या GDP बढ़ रहा है, तो वो GDP 100 लोगों का बढ़ रहा है, 100 करोड़ का नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ 100 लोगों का GDP बढ़ रहा है, उसको हम देश मान रहे हैं आज। जो बाकी के करोड़ों लोग हैं जिनके व्यवसाय हैं, वो निरंतर घाटे में हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। 2008 से लेके मैं 10 तक का आपको माहौल बताऊं, दिल्ली में कोई ना कोई नया काम शुरू करने की जद्दोजहद में था, बहुत एक
एक आगे का लोगों को दिख रहा था, बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा था। आज कोई भी नया काम करने की नहीं सोच रहा है, बस ये सोच रहा है जमीन बेच लें, जमीन खरीद लें, जी इसके अलावा कोई आज काम बचा नहीं है। और जमीन कब बिकती है? जब कुछ नहीं बचता घर में, तब जमीन बिकती है। तो आज जो पैसा आ रहा है वो जमीनों का आ रहा है, ये कितने दिन चलेगा पता नहीं। जो 10-20 साल पहले पैसा आ रहा था वो काम करने का, कारीगर का पैसा आ रहा था, उनकी जेब में आ रहा था, हम लोग छोटे व्यवसाय चला पा रहे थे। आज छोटा व्यवसाय कोई नहीं चला जी सकता। आपके पास अपनी जगह हो, आप खुद वो काम करते हो, तो शायद आप एक दुकान खोल सकते हैं, जिसे अमेरिका में मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं। अच्छा तो अमेरिका का सिस्टम आ रहा है, या तो मॉम एंड पॉप स्टोर चलेगा, यानी आप अकेले एक दुकान चला लीजिए, या फिर करोड़ों का, 100-200 करोड़ वाला काम चलेगा। बीच का ये जो SME सेक्टर है, जी जिसे जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो नौकरियां MSM देते थे, MSME, जी MSME तो उसकी मिनिस्ट्री है, अच्छा ठीक स्मॉल एंड मीडियम ठीक एंटरप्राइज जो है ठीक वो ठीक बिजनेसेस हैं, SME सेक्टर इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है। उसमें हर तरह से GST या नोटबंदी, या अब महंगा इतना कर दिया हर चीज की, छोटा इंसान अब आप समझ सोचिए, एक समय था जब हमारे देश में ही हमारी अपनी चेन शुरू होती थी, NIT देख लीजिए आप, एपटेक देख, आज बताइए कौन सा, कौन है जो आज ये चेन शुरू कर सकता है? कोई नहीं कर पा रहा है। एक भी होटल कोई चला ले तो बहुत बड़ी बात है। तो आज ऐसा माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कि तो ये मेरा अपना अनुभव है, एक छोटे व्यवसायी का, SME सेक्टर का, मेरा अपना अनुभव है खेती का। जी तो ये जब बंद हुआ है 2020 में ही ये बंद हुआ है, उसके बाद ही मैंने सोचा कि अब काम तो कोई शुरू करने की हिम्मत नहीं है, अच्छा क्योंकि ऐसा माहौल अभी नहीं इस तरह का है। मतलब बिजनेस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपका अभी नहीं? देखिए बिजनेस कैसे कर नहीं सकते नहीं हाँ हैं, मतलब इसी तरह के हमारा जैसे तो वीवा खेती पिट का आपका बंद है। हुआ नहीं, उसके बाद कुछ और मेरा अपना तो ऐसा कुछ नहीं नहीं इस है, तरह का मेरे प्रोजेक्ट और कोई परिवार के हैं नहीं, और नहीं? कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, जी क्योंकि मुझे लगता है कि ये समय ऐसा नहीं है कि कोई छोटा व्यवसायी इस तरह का, रियल एस्टेट वाले तो कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन कोई भी इस तरह का छोटा बिजनेस मुश्किल है। और जो 10 खुल भी रहे हैं तो उसमें से 9 बंद हो रहे हैं। जी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, तो वहां से आपने चुनाव लड़ने की मतलब दिलचस्पी आप क्यों दिखा रही हैं? क्या ऐसा कारण है कि मुजफ्फरनगर ही आप लड़ना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुजफ्फरनगर ही लड़ना चाहती हूँ। मैं जैसा भी हमारी पार्टी के अध्यक्ष या गठबंधन के नेता जो भी निर्देश देंगे, हमें तो वो पालन करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारी आ, 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 एक समझिए, मेरा घर जो है वो मुजफ्फरनगर सीट में ही आता है, जी सरधना, तो इसलिए मैं मुझे लगा कि मुझे वहीं तैयारी करनी चाहिए। तैयारी अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जी तैयारी कर रही हूँ गठबंधन के लिए। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर हम तैयारी ही नहीं करेंगे तो पिछला मेरा चुनाव का जो अनुभव हाँ था, मैंने तैयारी कहीं की करी थी, टिकट कहीं का मिल गया था, हमने वो हाँ भी निभाया, तो हम तो इस बार भी हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं लगती। तो आप मुजफ्फरनगर में क्या मुद्दे समझती हैं मुजफ्फरनगर के स्तर पर कि क्या मुद्दे चुनाव के होंगे वहां जी पर? अगर आपको टिकट होता है आप वहां जनता के बीच जाएंगी चुनाव, तो क्या मुद्दे आप मुजफ्फरनगर के रख? देखिए, मैं तो जनता के बीच ही रहती हूँ, और मैं मुद्दे बहुत हैं लोकल, अगर गांव स्तर पे आप देखें या शहर स्तर पे देखें तो तमाम मुद्दे हैं। अभी ये आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, जी और आप जहाँ से निकल जाइए, हम तो रोज देखते हैं किसी किसान का खेत, कई बार मन करता है कि रोक के भगा कुछ कर सके तो भगा दे उन्हें, देने क्योंकि अभी तो बोया है हाँ और इतनी इतनी सी वो गेहूं खड़ा है, उसे ये पशु चर रहे होते हैं। बहुत दुख होता है कि किसी किसान की मेहनत बर्बाद हो रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसका समाधान जो है ना, ये सरकार मुझे नहीं लगता कर सकती है, क्योंकि इनकी सोच नहीं है उस तरह की। इनकी सोच जो है वो टॉप डाउन है, मतलब हम ऊपर से, अब आप समझिए बहुत बड़ी काउ सेंचुरी आप कहीं पुरकाजी में बना देंगे, जी उसका सरधना के किसान का उसका कैसे फायदा होगा? वो पशु को क्या उठा उठा के मार, ये तो पशु आते ही रहेंगे। तो इसका समाधान जो है डिसेंट्रलाइज्ड होगा, एक गांव स्तर पे ही होना चाहिए। गांव की जो जमीन है उसी में आपको चारागाह बनाना चाहिए,
और वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये गांव के प्रधान की तो ताकत कम करते जा रहे हैं, उनकी निधि पहले ही एक तिहाई कम कर दी है, जी और कई तरह के सेंट्रलाइज्ड व्हीकल बना दिए हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या स्मार्ट सिटी हो, पैसा उनमें आ रहा है जो अधिकारियों के पास जा रहा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में अब ज्यादा कुछ नहीं है। जी तो एक तो ये पॉलिसी लेवल की ये प्रॉब्लम्स हैं, सरकार मतलब ये नीति वाली प्रॉब्लम्स हैं, और जो मैंने आपको बताया जमीनी जो समस्याएं हैं वो ये, और किसानों की तो तमाम समस्याएं हैं, मैं आपको कितनी गिनाऊं, पेमेंट टाइम पर नहीं होती, खाद सोसाइटी में खाद अवेलेबल नहीं होती जब चाहिए होती है, जब सरसों के बिकने का समय आता है किसान की फसल का, तो आपने जो रिफाइंड ऑयल है, इम्पोर्टेड ऑयल है, उसकी ड्यूटी जीरो कर दी, 35% से आपने 0% कर दी, यानी वो बाहर से तेल आएगा तो सरसों का तेल जाहिर है जमीन पे लुढ़क जाएगा। तो हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसान की तो आमदनी हो ही ना पाए। अभी सरसों सबने लगाई, अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा दाम मिलेगा, लुढ़क गई नीचे, क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो ये वाली तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, बेरोजगारी की बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब युवा हताश है, और उस हताश युवा को आप शराब में धकेल रहे हो, मैं तो सीधा कहूंगी सरकार कर रही है। इतने ठेके कभी गांव में नहीं देखे थे, अच्छा अब गांव में खुलने लगे हैं। अभी तो एक नया प्रपोजल आया इनका, ये रेलवे स्टेशन पे भी ठेके खोलेंगे, मेट्रो स्टेशन पे भी। जिस गति से ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, क्या ये उसी गति से कई लाख पद सरकारी केवल उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े हैं? तो ये उसे क्यों नहीं भरते? तो नियत और नीति दोनों ही इस सरकार की फेल हैं, और उसी वजह से हर वर्ग झेल, हर तबके को दिक्कत है। अभी मैं कल गांव में गई थी तो कई मौत हो रही है, और जवान मौत हो रही है लड़कों की हार्ट अटैक से। अभी बताइए, तो हम तो कोई रिसर्चर नहीं है, हम शोध नहीं कर रहे, हम जी डॉक्टर नहीं है, लेकिन गांव गांव में एक बात हो रही है कि क्या कारण है। सब वैक्सीन को कह रहे हैं, लेकिन क्या सरकार जागी है अभी इस बात पे? कोई इन्होंने शोध शुरू करा हो, इसकी कोई दवाई या कोई जागरूकता की कैंपेन ही कर दे दूर दूर तक, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, घर के चिराग बुझे जा रहे हैं, और बहुत दुख होता है, और लगता है कि ये वाली बातें तो हम कहाँ करें। अभी तो पहले तो घर में आमदनी नहीं आ रही, कल ऐसे घर में माँ रो रही थी, उनका बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, चंडीगढ़ में जॉब लगी हुई, अच्छा अच्छा हृष्ट पुष्ट 25 साल का नवयुवक, और माँ के सामने हार्ट फेल हो गया उसका दोनों भैंसी में। अच्छा बहस तो ये वाली समस्याएं तो सरकार कब पहुंचेगी यहाँ तक? क्या ये पुकार माओ की है ना? और हमारे देश में एक अच्छी बात भी है और बुरी भी है कि इंसान खुद को समझा लेता है, वो ये कहता है हमारे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, भगवान को यही मंजूर था, लेकिन क्योंकि मैं राजनीति में हूं और मेरा काम ये है कि मैं लोगों की समस्याओं पे ध्यान दूं और उनकी समाधान भी सोचूं, तो मुझे लगता है ये सब आपके कर्मों, मैं बताना चाहती हूँ उनको, पर वो माहौल ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूं कि ये सब भी हमारी राजनीति का जी परिणाम है, कि हमने प्रतिनिधि ऐसे चुने हैं जो आपको ये बोल के जा रहे हैं कि ये तो तुम्हारे ही पिछले जन्म के कर्मों के तुम्हें फल मिल रहे हैं, या ये तो उस भगवान के हाथ में है, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान के हाथ में नहीं है, ये वैक्सीन क्यों थोपी गई हमारे लोगों के ऊपर? तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता और खासकर जयंत चौधरी जी इस बात को कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को अगर हमें ताकत मिलती है, सत्ता मिलती है, तो हम उसे रद्द कर देंगे, जी तो इसी तरह से वैक्सीन को लेकर भी कोई पार्टी का स्टैंड है या शराब की दुकानों को लेकर भी पार्टी का कोई स्टैंड है? कोई आपकी बात हुई होगी कि गंभीर विषय आप उठा रहे हैं? जी देखिए, नहीं इस पे मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ हमारी पार्टी आज स्टैंड करती है तो हम जनता के साथ हैं। अगर इस इतनी मौतें हो रही हैं और युवा में कार्डियक अरेस्ट हो रही हैं इतनी,
ये हम जैसे लोगों ने जब देख लिया है, क्या सरकार नहीं देख रही है? क्या कहीं कोई रिकॉर्ड कर रहा है कि ये मौत किस कारण से हुई है? और जब इतनी मौतें हो रही हैं, जवान मौतें जी हार्ट अटैक से, तो सरकार का दायित्व नहीं बनता कि पता करे क्यों हो रही है? ये तो आम जन कह रहा है वैक्सीन की वजह से हो रही है, कोई और कारण भी हो सकता है। हाँ पर ये तो जब शोध करेंगे तब पता लगेगा, जब शोध ही नहीं कर रहे तो अब जनता में क्या धारणा फैल रही है कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो अगर वैक्सीन की वजह से हो रहा है तो उसका क्या उपाय है, ये भी तो डॉक्टर और रिसर्चर ही बताएंगे। पर कब बताएंगे? जब जनता कहेगी। अभी तो हमारे गांव के CHC PHC में, दूसरा कारण मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक बड़े बड़े लोगों ने घर भी बना लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों में वो ना टेस्ट हैं ना वो मशीनें हैं। कई लोगों का मैंने देखा है कि मौतें इसलिए हुई हैं कि समय पर उनको इलाज नहीं मिला। आप समय पर इलाज, जब आप इन्हीं की मैं बताती हूँ, युवा ये गांव के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको आप बड़े डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो गैस का है, घर वापस भेज दिया। तो अब वो बड़ा डॉक्टर गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन सेकेंड ओपिनियन के लिए कोई और जगह नहीं है। हमारे पास एक दो ही अस्पताल हैं जहां हम रहते हैं, चाहे हम कितने ही धनी क्यों ना हो, हमारे आसपास एक दो ही ऐसे अस्पताल हैं जहां हम जा सकते हैं, जहां हम ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी उंगलियों पे होंगे उन डॉक्टर्स के नाम जो आप समझते बिल्कुल हैं अच्छे हैं। जी तो ये कमी क्यों है? इस कमी को भी पूरा करना चाहिए। तो ये तमाम समस्याएं हैं, इनके समाधान हैं, लेकिन हमारे जनता भोली है, उसका फायदा ये सरकार उठाती है कि आधे का जो है समस्याएं तो वो तो भगवान के ऊपर डाल देते हैं जी कि भगवान भगवान के नहीं है। आप सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, स्कॉर्पियो ने एक लड़के, 22 साल का एक लड़का, स्कॉर्पियो ने मार दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। वो लड़का ना शराब सिगरेट भी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लड़का था, लेकिन ड्राइवर शराबी था। तो जब शराब आपने समाज में ऐसी घोल दी है कि जो नहीं शराब पी रहा है उसको भी अब झेलना पड़ रहा है, जो मासूम सड़क पे चल रहा है, उसी सब के लिए तो सरकार अभी कानून भी लेकर आई थी जो ड्राइवरों के लिए था ड्राइवर, उसमें। आप जी बताइए, ड्राइवर को तो आपने कर दिया, लेकिन जो गया जान से उसका क्या करेंगे? तो जड़ क्या है? शराब है। आप शराब को क्यों नहीं, क्यों उसको घोले जा रहे हैं? मतलब ऐसा क्या सरकार कमा रही है शराब से? बाकी जनता भी तो टैक्स भर रही है, पार्ले जी पे भी हम टैक्स भरते हैं, शराब से ही कमाएगी क्या सरकार? चलिए मैडम फिर से मुजफ्फरनगर पे ही लौटते हैं। आपने दावेदारी तो की है टिकट को लेकर, जयंत चौधरी जी से क्या बातचीत अब तक हुई होगी? आपने बताया होगा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो उनकी तरफ का उनका क्या रिएक्शन था? कि इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये देखिए, हमारी पार्टी के संगठन की तरफ से जो हमें आदेश मिला है वो ये है कि हमें बूथ लेवल तक कमिटीज बनानी है, जी तो उस पे तो हमें काम करना ही करना है, अब चाहे चुनाव लड़े या ना लड़े। और मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि हमें महिलाओं की भी, मेरा ये जी मैंने दावा नहीं पर ये वादा करा है अपने पार्टी अध्यक्ष से कि हम कम से कम एक या दो सीट पे, हर बूथ पे हम महिला कार्यकर्ता जरूर देंगे। अच्छा एक बात और है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरेंद्र मलिक जी, वो भी टिकट के दावेदार हैं। और करीब 6 महीने पहले उनके जो जिलाध्यक्ष हैं जिया चौधरी, उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कही थी ये बात कि अखिलेश यादव ने उन्हें बता दिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक होंगे। हाल ही में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हरेंद्र मलिक जी का, तो उसमें उन्होंने ये संदेश दिया है कि या तो उम्मीदवार वो होंगे या हो सकता है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ लें। क्या इस तरह की बातें आपके संज्ञान में भी हैं कि क्या दो ही नाम है टिकट को लेकर और कोई नहीं है, या हरेंद्र मलिक जी का टिकट फाइनल हो चुका है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, और जहाँ जो हम सुनते आ रहे हैं वो तो यही है कि अभी तो गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो आपस में पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो निर्णय लेंगे, तभी हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा मुजफ्फरनगर सीट पर किसका दावा आप ज्यादा मजबूत मानते हैं, राष्ट्रीय लोकदल का या समाजवादी पार्टी का? देखिए, एक फॉर्मूला जो पार्टी
कुछ समय पहले बोला गया था, हालांकि उसकी भी मैं पुष्टि नहीं कर सकती कि सीट तो उसको दी जाएंगी जो जो पिछले चुनाव में जिनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, तो उस हिसाब से तो राष्ट्रीय लोकदल का बनता है और बाकी जो भी पार्टियों के गठबंधन के बड़े नेता जो निर्णय लेंगे, फॉर्मूला बदल दें तो मैं नहीं पता। अच्छा, मुजफ्फरनगर जो लोकसभा सीट है, इस सीट पर जो फिलहाल गठबंधन के जो टिकट के दावेदार हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं वो सब जाट समाज से आते हैं। जो भी नाम है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल में हो, और इस सीट का इतिहास रहा है कि चाहे चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़े हों 1971 में, चाहे 2014 में वो 2019 में चौधरी अजीत सिंह लड़े हों, और उससे पहले हरिंद्र मलिक 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अनुराधा चौधरी लड़ चुके हैं, तो कोई भी गैर भाजपा से जो जाट कैंडिडेट चुनाव लड़ा है अब तक उसे जीत नहीं मिली है। अब तक जो भी वहां से जाट कैंडिडेट जीते हैं वो सभी भाजपा के थे, चाहे नरेश बालियान हो, सोनवीर जी हो या संजीव बालियान जी हो। तो ये आपको नहीं लगता है कि मतलब किसी भी जाट कैंडिडेट के लिए ये चुनौती भरा एक सीट हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि सिर्फ जाट कैंडिडेट है ऐसा नहीं है, बल्कि समाजवादी से त्यागी जी भी हैं, तो मुझे लगता है वो भी बहुत बहुत बढ़िया कैंडिडेट है गठबंधन के लिए। और ये कि बीजेपी से ही जीतते हैं ये भी मैं हद तक इसको ये नहीं कहूँगी क्योंकि वो जाट कैंडिडेट है, मैं ये कहूँगी कि भाजपा का शायद कुछ चुनावी मैनेजमेंट अच्छा रहा इसलिए। नहीं, वो मैं इसे दूसरे तरीके से नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रैक रिकॉर्ड जो दिखाई देता है आंकड़ों पे, आंकड़े हैं मतलब इस तरह के, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्तित्व उनका चुनाव मुजफ्फरनगर से हारना या चौधरी अजीत सिंह जी का चुनाव मुजफ्फरनगर से हारना, तो वो उस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगी कि अगर बड़े बड़े हमारे इतने बड़े नेता हैं शायद कहीं कोई कमी रह गई होगी, और मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने, और मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार इतिहास बदले जी। कुछ भी हो सकता है वो। अच्छा, मोदी जी 3 तलाक पर कानून लेकर आए, आप महिला जो संगठन है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है राष्ट्रीय लोकदल में, और आप महिलाओं के लिए काम भी कर चुकी हैं, तो इसे इस कानून को आप किस नजरिए से देखते? ठीक है, ले आए, कोई फायदा इसका हुआ हो मुझे पता नहीं है, अभी तो कोई ऐसे आंकड़े आए नहीं, किसी ने मांगा हो ये कानून। नहीं, जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता था और उन एक तरह से उनका उत्पीड़न था, तो देखिए ये ना ये कानूनी समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। जब हम सामाजिक समस्या को कानून से सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कानून, अभी तो कानून ये भी है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलना चाहिए, बताइए कहाँ मिल रहा है जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है, तो सामाजिक समस्या का जो समाधान होता है वो समाज अंदरूनी तरीके से आंदोलन के तरीके से तब निकलता है, कानून से नहीं होता। कानून से होगा इलाज होगा जो कहते हैं इसका क्राइम का, यानी कि अपराध का जी। जो समाधान है वो कानून से होगा, जैसे कि जब दहेज हत्या हो रही थी तो वो एक अपराध, हत्या हो रही थी, दहेज कानून आया। आज हम अखबार में कितने दहेज हत्या मुझे याद है 90 के दशक में रोज ही ऐसे आता था, आज वहाँ जला दिया, आज वहाँ जला दिया, और हम अपने रिश्तेदारी में भी सुनते थे कहीं ना कहीं हो रहा था। आज ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक अपराध था, उसके लिए कानून आया और वो संभाल लिया गया। हालांकि सामाजिक समस्या तो अभी भी है जी, दहेज एक सामाजिक समस्या है वो अभी भी है, लेकिन अपराध कम हो गया। अब 3 तलाक में मैं समझती हूँ कि एक सामाजिक समस्या है शायद, और उनके समाज की है, मुसलमानों के समाज की है, और वो अंदरूनी तरीके से अगर इसको सुलझाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, कानून बन गया, इसका कोई नुकसान किसी को नहीं है, किसी को फायदा भी नहीं है। मुझे लगता है आप कानून बनाते रहिए, वो तो
जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो तो समाज ही करेगा। जैसे अब लड़कियों को जायदाद में आधा हिस्सा मिलने का कानून है, जी किसको किसी को फायदा हो रहा है, जो उठा सकते हैं उनको हो रहा है, जो जिनको पता ही नहीं है, जो सामाजिक तौर पर जागरूक नहीं है, वो इसका नहीं उठा पाएंगी लाभ। या फिर कई लड़कियां हैं तो कई क्या ज़्यादातर यही सोचती हैं कि हमें तो समाज में रहना है, तो वो दावा नहीं करती अपने उस हक का। तो यही हाल 3 तलाक का भी मुझे लगता है, मैं इसी तरह देखती हूँ। कानून अपराध के लिए बनना चाहिए, और जैसे कि 2 शादियां करना अपराध है, लेकिन जब तक वो महिलाएं खुद जाकर उसकी शिकायत नहीं करेंगी जी, तो 2 शादियां भी चल रही हैं। आप जानते हैं हमारे समाज में बड़े बड़े नेताओं की भी है रही हैं, और तो ये सामाजिक समस्या है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि उसे समाज अपना लेता है जी, तो फिर वो अपराध नहीं रहता, तो कानून क्या करेगा उसका। 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है, अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो राजनीति में भी दिखाई दे रहा है, आप सब महसूस भी कर रहे होंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है 22 जनवरी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि इसका असर राजनीति पे दिख रहा है, तो मैं समझती हूँ गलत है जी, क्योंकि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, ये सभी मानते हैं, हमारा संविधान इसीलिए बना है जी, नहीं तो धर्म ग्रंथों से चलता ये देश। लेकिन आज अगर इसको धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये धर्म की भी अपमान है जी। तो मुझे लगता है कि धार्मिक कार्य है, बहुत शुभ कार्य है, और ये धर्म गुरुओं पे ही छोड़ना चाहिए, और जिसकी श्रद्धा हो वो जाए, जिस पे समय हो साधन हो वो जाए, जरूर जाए, अभी नहीं जाए आगे जाए। और तो इसको इतना मैं इतना तूल नहीं दूंगी, मुझे लगता है कि अच्छा है मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके आप पास साधन है, समय है, श्रद्धा है, आप जाएं आज नहीं तो कल जाएं। नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी इनविटेशन दे रहे हैं कुछ चुनिंदा लोगों को, उस पर आप क्या? मैं यही कह रही हूँ कि वो क्यों इनविटेशन दे रहे हैं, वो क्या है उस मंदिर में, क्या वो वहाँ के पुजारी हैं, क्या है, उनको एक संवैधानिक पद पे लोगों ने बैठाया है, वो उसकी जिम्मेदारी निभाए। वो संसद में क्यों नहीं बुलाते लोगों को, वहां से तो लोगों को बाहर फेंक रहे हैं। जहां उनको बैठना चाहिए और जनता के प्रतिनिधियों को बुला के चर्चा करनी चाहिए, उस मंदिर को तो बंद करके बैठे हैं, वहां से लोगों को उन्होंने बाहर फेंक दिया। और जहां उनका काम नहीं है, जहां उस जिस जगह वो मंदिर है, मंदिर के लिए भी तो लोगों ने किसी को चुना हुआ है, उनको उनका काम करने दें, तो ये मिक्स नहीं होना चाहिए। आपके पिताजी बसपा में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं बसपा से, बसपा को लेकर भी अब काफी चर्चाएं हैं, कोई कहता है कि गठबंधन में वो आएंगी इंडिया गठबंधन में, कोई कहता है नहीं आएंगी, उनका भी कोई रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि उनके गठबंधन से बाहर रहने का या गठबंधन में रहने का क्या असर रहेगा 2024 के चुनाव? नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर गठबंधन में आए बसपा तो गठबंधन मजबूत होगा बेशक, और हम चाहेंगे कि वो ज़रूर आए, क्योंकि ये सभी समाज की लड़ाई है और इसमें सर्व समाज को जुड़ना चाहिए, और बसपा एक बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करती है, और वो ज़रूर इस गठबंधन का हिस्सा होनी चाहिए। फिर से वही कि आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और महिला पहलवानों का मुद्दा भी अभी बहुत जबरदस्त तरीके से चला था, तो उस मुद्दे को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा भी बनाने की कोशिश हुई, और राजपूत वर्सेस जाट बनाने की कोशिश भी हुई है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि आखिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये वाली हमारी जो सरकार है ना, भाजपा की सरकार, ये बहुत ही चरित्रहीन है, मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगी, क्योंकि जब आप एक ये महिलाओं के पक्ष की बात करती हैं ये जो पार्टी के सारे नेता हैं, लेकिन आप देखिए
इन्होंने महिला आरक्षण बिल, मैं उसका भी साथ ही जी जोड़ देती हूँ, महिला आप उस पर भी कोई बात पूछेंगे, नहीं, मैं कोई साथ बात जोड़ देती हूँ, महिला आरक्षण बिल पास किया लेकिन उसे बस्ते में डाल दिया, अगले 15 साल तक कोई उम्मीद नहीं है, और उसमें ऐसी वो जोड़ दी कि वो अब लागू नहीं हो सकता। तो एक तो मैं ये मानती हूँ कि जहाँ ये कहते हैं कि ये महिलाओं को संसद में बिठाना चाहते हैं, वहीं पर एक मुखर महिला महुआ मोइत्रा, उस पर इन्होंने जांच कमेटी बिठाई, गलत तरीके से उनको संसद से निष्कासित किया। जी और उसी समय एक और सांसद हैं इनके, ब्रजभूषण, जिनके ऊपर ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, आरोपों के साथ सबूत दिए, पुलिस खुद कहती है उनके पास सबूत हैं, चार्जशीट हो सकती है, जी लेकिन वो पुलिस इतना घबराती है, क्योंकि पुलिस किसके अंदर आती है, गृह मंत्रालय, तो पुलिस उनको ना समन दे सकती है ना उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो अपने आरोपित बलात्कारी वाले के आरोप वाले सांसद को तो ये बचा रहे हैं। जाति पर तो मैं जाऊंगी ही नहीं, आप जाति तो छोड़ दीजिए ना, ये तो उससे पहले की बात है, जब आपको पता है कि आपका एक सांसद, जिस लड़की को आपने कहा मेरे घर की बेटी हो तुम, जब वो पदक जीत के आती हैं तो आप उनके साथ खड़े होके फोटो भी खिंचवाते हैं, इवेंट भी करते हैं, पूरी वाहवाही लूटते हैं कि मोदी जी की वजह से आप पदक आ रहे हैं, तो ये मोदी जी की वजह से क्या लड़कियां प्रताड़ित भी हो रही हैं? जिम्मेदारी भी तो लीजिए ना फिर आप। इन लड़कियों ने ये बोला है कि मीडिया में आने से पहले 6 महीने पहले उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी से ये बात बताई, उसका क्या नतीजा हुआ, वहां से जाते ही उनको धमकी आनी शुरू हो गई, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा करते, प्रधानमंत्री ने उनको भेड़ियों के आगे फेंक दिया कि ये खुद देख लेंगे। कई तरह से उन्होंने कोशिश करी, गृह मंत्री से मीटिंग करी, कई बहुत कोशिश करी कि सामने ना आना पड़े, जब कुछ नहीं हुआ तब वो धरने पर बैठी जी। और उसके बाद भी आज वो आदमी खुला ही घूम रहा है, इतना और खुला घूम रहा है, और अपना WFI पे फिर से कब्जा करने की उसने कोशिश करी, वो भी ये कह रहे हैं हमने भंग कर दी है, लेकिन वही बात है ना, किसानों को भी काले कानून वापस ले लिए, पर जो मांग रहे थे वो तो नहीं दिया, यहाँ भी इन्होंने इसको भंग कर दिया, लेकिन जो वो मांग रही थी वो तो उनको नहीं दिया, वो तो ये कह रही है कि इसको जेल में होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महिला विरोधी मुझे ये सरकार लगी अभी तक, जो मैं 5 साल से देख रही हूँ, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर इनके पास दो ही महिला हैं, एक स्मृति ईरानी जी, एक निर्मला जी, उन्हीं को पोर्टफोलियो अदल बदल करते रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल जी भी तो हैं, उनको क्यों नहीं दिया इन्होंने, उनको दें HRD मिनिस्ट्री या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, क्यों नहीं देते, वो भी तो बहुत बड़ी नेता है। जी। मतलब भाजपा में कोई तीसरी कोई बड़ी नेता नहीं है। तो अब ये किस तरह से महिलाओं को आगे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, सिर्फ पोस्टर पे फोटो लगवा लेते हैं, और ना तो पहलवान बेटियों की लाज रखी इन्होंने, और तो उस मामले में तो मेरा यही कहना है कि बहुत गलत हुआ है, एक बलात्कारी आरोपित और ऐसे पद पे नहीं रहना चाहिए इंसान, उसको उसकी भी जांच कमेटी बैठे और उसको भी निष्कासित करें। मैं फिर से ही जाति की बात ही करूंगा, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री का एक मामला आया था, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं जाट हूँ, मेरी मिमिक्री हो गई, समाज की अपमान हो गया, तो उन्होंने अपने जो मिमिक्री का मुद्दा था उसे जाट समाज से जोड़ा था। तो आप भी उसी समाज से आती हैं, तो आप की इस पर क्या एक प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे कहीं ना कहीं वो भी ज्यादातर जाटी समाज से, नहीं ज्यादातर जाट समाज से नहीं थे, मैं जानती हूँ ना उसमें, नहीं नहीं जो चेहरे मतलब दिखाई दे रहे थे कुछ तो उसमें थे ना, ओलंपिक पदक विजेता वो लड़की है, वो आगे आने की हिम्मत कर पाई, जी जी, बाकी लड़कियां अभी भी नीचे ही हैं, वो हिम्मत नहीं कर सकती आगे आने की। वो आपकी बात ठीक है, मैं मतलब उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरह से अपनी मामले को, उपराष्ट्रपति जी का जाट समाज देखिए उसमें
कई चीजें हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि देश का माहौल ऐसा बना दिया है कि जो हमारे चुने हुए सांसद हैं वो 7वीं 8वीं कक्षा के लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। संसद से लेके मेरठ के जो महापौर के सदन में जो हुआ जी। आपस में, ये जूट पत्रम जो हो रही है, ये किसकी नाक के नीचे हो रही है, किसकी सरकार है? ऊपर से लेके नीचे तक डबल ट्रिपल इंजन किसकी सरकारें हैं ये, जी जिसमें सांसद भी एक दूसरे के ऊपर जूते उठा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पार्षदों को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आपने चुने हुए सांसदों को सदन से बाहर कर दिया और वो खाली बैठे ताली बजा रहे हैं वहां बाहर, है ना? उसमें चलिए मैं मानती हूँ ये गलती है कि एक सांसद ने अपनी गरिमा के विपरीत जाते हुए किसी की नकल उतारी, पर आप जानते हैं वो सांसद कहाँ के थे? टीम्स बंगाल के। जी तो उनको क्या पता जाट क्या है क्या नहीं? उन्होंने उनको पता ही नहीं जाट क्या होता है वो, लेकिन इनको इस तरह से जानते हैं कि वहां के गवर्नर रहे जी धनखड़ जी बंगाल के, वहां जी पर इनके आपस में कुछ रही होगी, उस हिसाब से उन्होंने इनकी नकल उतारी है। ठीक है। इसलिए नहीं कि ये जाट है, वो कहीं आपने भी देखा होगा वो वीडियो, कहीं कह रहे हैं कि ये जाट है नहीं क्या, तो फिर आप खामखा उसमें जाट को खींच रहे हैं। तो ये तो मैं कह रही हूं कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हम भी उनका सम्मान करते हैं, तो उनकी और ये जो सांसद रहे टीएमसी के बंगाल के, इनकी आपस की बात थी ये। जी और जब आपने सांसदों को बिना किसी काम के और संसद से बाहर खदेड़ ही दिया है, तो वो खाली बैठ के क्या करेंगे? मक्खी मारेंगे? वो यही काम कर रहे थे। तो ये तो माहौल किसने बना रखा है ये? आप उनको संसद में बैठाइए, उनसे काम करवाइए। मुजफ्फरनगर के सांसद हैं संजीव बालियानी, 2 बार से सांसद हैं, अब उनके 10 साल हो जाएंगे। केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं और काफी ताकतवर मंत्रियों में उनकी गिनती होती है आज की तारीख में। तो उनके जो सांसद का उनका कार्यकाल रहा है 10 साल का, तो जैसे आप टिकट की दावेदार हैं, हो सकता है कि पार्टी आप पर, गठबंधन आप पर विश्वास जताए तो आप चुनाव लड़ने जाएंगी, तो उनके कार्यकाल पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए संजीव बालियान जी बहुत अच्छे हैं, आपने कहा ताकतवर हैं। कार्यकाल तो इससे मेरी क्या टिप्पणी रहेगी, उसमें तो जनता देती है रिपोर्ट कार्ड। तो उनके कई वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, जाट आरक्षण से लेके सिसौली में तहसील बनवाना, बहुत ऐसी, मैं सबसे मैं वाकिफ नहीं हूँ, पर हैं ऐसे। और जो जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में किसान बिरादरी है, जी तो वो तो उनकी तो बहुत समस्याएं हैं, तो उनके समाधान नहीं हो पाए 10 साल में, बड़े ही हैं समस्याएं, बड़ी हैं। बेरोजगारी की कोई समाधान नहीं निकला, ये जो दिन पे दिन मेडिकल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के, और उन्हें मेरठ में आके न्यूटिमा जैसे अस्पतालों में या महंगा इलाज, मैं तो कहूँगी उसमें अस्पतालों की क्या गलती है? जब सरकारी अस्पताल बेकार हो गए हैं तो जाएंगे ही प्राइवेट में, और प्राइवेट अस्पताल तो प्रॉफिट के लिए हैं भाई, सही वो तो कहते हैं तो वो उतना ही चार्ज करेंगे। तो इसमें अस्पताल और जनता लड़ रही है, लेकिन असली इसमें जो जिन्होंने काम नहीं किया वो सरकार है। जी तो ये सारी समस्याएं वहीं की वहीं हैं या बड़ी हैं, तो इसलिए शायद जनता दूसरा विकल्प चाहती है। और क्योंकि हमारी पार्टी तो विपक्ष में है और जनता के साथ खड़ी है, जी तो हम चाहेंगे कि जनता को एक अच्छा विकल्प मिले। गन्ने का भाव भी अब तक घोषित नहीं हो चुका है, 2 महीने जी से ज्यादा समय हो गया है मेलों जी को जी चलते हुए। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण होगा कि सरकार घोषणा करने से बच रही है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या कारण है। आज क्योंकि आज अगर संजीव बालियान जी का जी बयान आया था कि भाव तो बढ़ना है हाँ और उसके बावजूद घोषणा नहीं हो रही नहीं, है, तो आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है, क्या हो सकता है इसका? आपने कहा वो बहुत ताकतवर हैं, जी तो जब वो इतना भी नहीं करा पा रहे हैं तो क्या ताकत है? मेरे हिसाब से कम 450 तो रेट हो जाना चाहिए था अभी तक, और अब कहीं जगह क्रशर पे 400 मिल रहा है और मिल 350 भी नहीं दे रही है, तो अब बताइए, तो बहुत अजीब सा है। और इसमें जो भी बीजेपी में ताकतवर प्रतिनिधि हैं,
किसानों के, जी, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी क्योंकि बनती है। ये पूरा क्षेत्र गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे ही किसानों की आजीविका सब कुछ निर्भर रहता है, बहुत सारी परेशानी। मैं बिल्कुल मानती हूँ। देखिए आप हमारी लागत देखिए किसानों की, आप डीजल देख लीजिए कहाँ चला गया है, जी आप बीज के दाम देख लीजिए, आप खाद देख लीजिए। अभी मैंने सुना वो 5 किलो पहले कम किया था, 5 किलो और कम कर रहे हैं, वो 40 किलो का कट्टा हो जाएगा पहले। जी ठीक है, आप बिजली पानी, ऊपर से पशु चर गया, ये भी एक लागत का हिस्सा माना जाएगा। जी तो लागत तो बढ़ती गई है, मेरे ख्याल में दुगनी हो गई होगी लागत। तो आप बताइए, अब कहाँ से आप किसान की आय दुगनी कहाँ से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, कैसे दुगनी हो रही है किसान की आय? ये इसका क्या, अगर किसान हिसाब नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हम भी हिसाब नहीं लगा रहे। किसान तो भोला है, किसान नहीं हिसाब लगाता, किसान तो ये सोचता है बस जिस साल घर से नहीं गया उस साल ठीक सही। है ना। या आप उसको फंसा लेते हो, कभी किसान क्रेडिट कार्ड दे दोगे कि ये ले लो 50,000, ये ले लो 1 लाख, ये ले लो, इसी में उलझे रहते थे, है ना। या फिर किसी का एक घर में कोई फौजी है, वो संभाल लेता था। जी क्योंकि किसानों की मैंने देखा है कि जो जरूरतें हैं वो बहुत बेसिक हैं, उनकी जो आधी जरूरतें तो खुद ही पूरी कर लेते हैं अपनी, खान पान की। जो बाकी होती है या तो होती है स्वास्थ्य, मेडिकल का खर्चा, या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। जी आज वो कितना महंगा हो गया, दोनों ही चीज़ें। असली तो किसान महंगा इसलिए झेल रहा है, ये सब जो ये भी झेल जाता बाकी सब चीज़ें भी, तो बहुत ही संतुष्ट एक तरह से बिरादरी है। शहरी लोगों की तरह ही नहीं, कुछ नया आया तो वो भी चाहिए, ये आया तो वो भी चाहिए, हर वक्त मॉल के चक्कर काटते रहो। तो शहरों में तो यह कोई अंत नहीं है ना, ज़रूरतें हैं या उनके ऊपर ये गाड़ी फिर वो गाड़ी फिर ये। किसानों का मैंने देखा है गांव में, वो तो कई तो गांव से बाहर नहीं निकले पूरी जिंदगी, बहुत बेसिक उनकी जरूरत है, हम वे भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो लानत है ना हमारे ऊपर। ये तो लानत है इस सरकार पे कि जो बिरादरी ज्यादा चाहती नहीं है आप उनके लिए भी नहीं कर पा रहे। तो 5 किलो राशन और कुछ कर्जे के उसमें आपने उन्हें धकेल दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जो बने हुए हैं उनकी और सरकारी नीतियों की। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए का जो मुकाबला है, उनमें जो मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, मजदूरों के, जी और जी तो क्या उनपे वोट मिल पाएगा इंडिया गठबंधन को? जनता का क्या रुख आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जनता तो जो रुख है वो चाहते हैं कि हमें एक सच्चा प्रतिनिधि मिले, और इतनी सारी समस्याएं हैं इनका कहीं ना कहीं समाधान हो, ऐसी सरकार आए। तो जनता बेशक 100% बदलाव चाहती है, और लेकिन अगर इसमें जो मौजूदा सरकार है और भाजपा है, ये हर तंत्र यंत्र मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता को भरमाते हैं। अभी आप देखिए इनकी कोई संकल्प यात्रा चल रही है, जी समझ में नहीं आता वो सरकारी है या भाजपा की प्रचार है, यानी आप सरकारी पैसों से बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उसमें मैं एक दो मैंने भाषण सुने तो उसमें कांग्रेस की गलतियां गिना रहे हैं, कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता था। अरे 10 साल पहले था, अब कब तक कांग्रेस का, यहाँ तो कांग्रेस 10 साल पहले भी नहीं थी, आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, अच्छे अच्छे टेंट लग रहे हैं उसमें, जी और भाजपा के नेताओं को बुलाया जा रहा है, और वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, मोदी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कितना गलत है, इसमें तो इसी को संज्ञान लेना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। जी और हालांकि उसमें खास कोई आ नहीं रहा, इन्हीं के अपने सरकारी लोगों को ही डंडा दे के बुलाया जा रहा है, जी जनता नहीं जा रही है उसमें, लेकिन फिर भी कितना खर्चा हो रहा है सरकारी पैसों का। प्रधानमंत्री ने सेल्फी पॉइंट लगा दिए हैं रेलवे स्टेशन पे, तो ये प्रचार कितना करते हैं, प्रचार इतना करते हैं कि लोगों को अंधा कर देते हैं। अभी तो चुनाव आने तक आप देखिए क्या क्या करेंगे। तो इस पे रोक लगनी चाहिए, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ तो एक नैतिक भ्रष्टाचार है ये, कि आप सरकारी तंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पार्टी के प्रचार के लिए। तो इसका विपक्ष जमीन पे उतर के हम भी
कर ही रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर होगा और जनता देख रही है। और इस बार अगर इन्होंने चुनाव में भी भ्रष्टाचार नहीं किया तो जवाब मिलेगा। ईवीएम पर आपका भरोसा कितना है? देखिए, ईवीएम पे समय समय पर प्रश्न चिन्ह है, और बीजेपी जब खुद विपक्ष में थी तो ईवीएम का विरोध करते थे ये, तो ये पेपर बैलेट भी हो सकता है, क्योंकि ईवीएम क्यों आई थी कि ये जल्दी कर देता है, लेकिन आप देखेंगे ईवीएम के बाद भी पेपर बैलेट भी 3-4 दिन में हो जाता था, अब ईवीएम में 1-1 महीना लगता है, तो वो इतना समय क्यों लेते हैं? जब ये समय लेते हैं ज़्यादा तभी परिणाम भी बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ईवीएम की गलती ना मान के, जैसे कोई भी कानून गलत नहीं होता, उसको कैसे लागू करते हैं वो गलत होता है, तो ईवीएम गलत ना होके, ईवीएम किसके हाथ में जा चुकी है, हमारा चुनाव आयोग किसके हाथ में जा चुका है, वो उस पे निर्भर करता है, वो गलत है। तो चुनाव आयोग पर जो जितना अविश्वास पूरे विपक्ष को है, उस स्थिति में चुनाव में जाना 2024 के, तो ये अविश्वास के साथ चुनाव में जाना, ये तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। चुनौतीपूर्ण तो हर चुनाव होता है, और आप देखिए चुनौती इसमें बीजेपी को ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वही ये सब कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनको चुनने की जो कमेटी बनती है उसमें बदलाव कौन ला रहा है? मोदी। जी अगर आप न, आपको कोई डर नहीं है, आपको जनता पे पूरा भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, तो आप ये हथकंडे क्यों अपना रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी उसमें अगर अपनी राय दे तो क्यों क्यों दिक्कत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनौती तो भाजपा को लग रही है 24 का चुनाव। आप लंबे समय तक अमेरिका में रही हैं, तो वहां किस तरह की राजनीति है और लोगों की सोच क्या है, मतदाताओं की सोच किस तरह की रहती है, और भारत की राजनीतिक स्थिति में और वहां की राजनीतिक स्थिति में क्या अंतर आप पाती हैं? दोनों में अपनी अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं। मैं ये कहूंगी कि हमारा जो संविधान है ये दुनिया में सबसे सुंदर जी संविधान जिसे कहेंगे और विस्तृत है, इसके इसका मुकाबला नहीं है। अमेरिका का भी जो संविधान है हमारे मुकाबले वो कमजोर है, और लेकिन वहाँ पे क्योंकि शिक्षा पे जोर रहा है तो जनता या और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक है। जैसे हमारे यहाँ ट्रंप जैसा, अगर आप समझिए वहाँ ट्रंप मतलब यहाँ अडानी, अडानी ने यहाँ तो अपना एक प्रतिनिधि बना रखा है, जी वहाँ अडानी खुद लड़ गया चुनाव, अच्छा यहाँ नहीं हो पाएगा ये, लेकिन वहाँ अडानी खुद लड़ा हुआ है, मतलब ट्रंप वहाँ का अडानी है, अच्छा उसने खुद ही चुनाव लड़ लिया, खुद प्रेसिडेंट बन गया, यहाँ अडानी वो नहीं कर सकता, तो ये फर्क है। लेकिन उसको एक ही योजना झेला उन लोगों ने, एक ही बार बेवकूफ बन पाए, दूसरी योजना में बाहर फेंक दिया, यहाँ पर हम नहीं कर पाए वो, हमने यहाँ दूसरी योजना क्या, हम तीसरी भी कह रहे हैं कि शायद आ जाए, है ना? कहीं तो ये फर्क है जागरूकता का वहां पर, क्योंकि कानून ये इतना कह के सख्त आप है। जनता पे सवाल ही नहीं खड़े मैं क्या कर जनता पर नहीं, मैं जी सरकार पे, सरकार शिक्षण के संस्थान और आयाम बंद करती जा रही है, तो जनता जागरूक कैसे होगी? जनता जागरूक कैसे होगी जब आपने मीडिया पूरा खरीद लिया? जनता को तो मैं बार बार कह रही हूँ भोली है जनता, वहां जागरूक है, वहां मीडिया को पूरी तरह नहीं खरीद सकते आप। तो वहां पे जागरूकता की वजह से बाबा साहब क्या कह रहे थे, संविधान हमारा बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसको लागू करने वाले दुष्ट आ गए तो ये संविधान बेकार हो जाएगा। तो हमारा संविधान दुनिया में सबसे अच्छा है लेकिन इसे लागू करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर वो ठीक नहीं है। अमेरिका का संविधान इतना अच्छा नहीं है लेकिन वहाँ पे जनता इतनी जागरूक है कि वो जल्दी समझ जाती है, क्योंकि शिक्षित है वहाँ पे, शिक्षा वहाँ पे इतनी आसान से उपलब्धि है कि आप 12वीं तक तो फ्री में ही पढ़ते हैं, अब यहाँ 12वीं में फ्री तक कौन पढ़ता है बताइए? कौन अच्छी शिक्षा, फ्री वाले स्कूलों में क्या हाल है आप बताइए? कोई नेता क्या, कोई भी जिसपे भी थोड़ा सा भी साधन है वो नहीं भेजना चाहता। और वहां पर फ्री वाली शिक्षा जो है वो प्राइवेट शिक्षा के बराबर है,
कमी नहीं है उसमें कोई भी। तो ये फर्क है वहां में और यहाँ में। ट्रम्प को उन्होंने एक योजना में बाहर फेंक दिया, हमारे यहाँ दूसरी भी निकाल दी हमने। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से या जो जनता है, जो मतदाता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोई उनसे अपील हो आपकी? जी, जरूर। मैं सभी नागरिकों से, जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप ये देखिए कि राजनीति में आप क्यों हैं, क्यों आप सक्रिय हैं राजनीति में और क्यों आपको होना चाहिए। आप अगर एक वोटर हैं तो सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, नेता की ताकत आपकी वजह से है। तो आपको अपना जो वोट है वो सोच समझ कर देना है, वो उसको देना है जिसे आप अपना सच्चा प्रतिनिधि समझते हैं। एक सच्चा प्रतिनिधि आपका संसद में पहुंच जाए, देखिए 500 से ऊपर सांसद होते हैं लेकिन आपको सिर्फ एक चाहिए। और एक ही हमारा प्रतिनिधि पहुंचा था, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने 6 महीने के अंदर ऐसे कानून बना दिए जिनका आज तक 3 पीढ़ियां लाभ उठा रही हैं। अगर आपको मुआवजे मिल रहे हैं तो वो इसलिए कि आपको जमीन का मालिक आपके एक प्रतिनिधि ने बनाया। दूसरा प्रतिनिधि आपका पहुंचा था चौधरी अजीत सिंह जी, उन्होंने इतनी यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, शुगर मिल लगा दी, आज आपको गन्ने का भाव कम या ज्यादा मिल रहा है पर मिल तो रहा है, वो एक प्रतिनिधि की वजह से। आज जयंत चौधरी जी हैं, वो एक ही हैं और वो राज्यसभा सांसद हैं, फिर भी आपके क्षेत्र में स्टेडियम वो खोल रहे हैं, आपके क्षेत्र में निधि वो दे रहे हैं, एक प्रतिनिधि है। तो आपको अपना एक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजना है, सच्चा प्रतिनिधि भेजना है और आप उसी पर अपना ध्यान लगाइए। आप बिल्कुल किसी भी चीज़ पे भ्रमित मत होइए, आप ये देखिए कि आपके लिए कौन काम करेगा, क्योंकि आपका जो सांसद है वो आपका नौकर है, वो आपकी सेवा के लिए है, वो मोदी का नौकर नहीं है, वो आपका नौकर है। तो ये आप सोचकर आज इस बार वोट दीजिएगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मनीषा अहलावत जी थी, इनसे काफी अच्छी चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। आगे भी हम इसी तरह से राजनीतिक और सामाजिक लोगों से अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।